रामपुर कोतवाली टांडा क्षेत्र के कलैया नगला गांव में विजय सिंह अपने परिवार का साथ रहता है। बीती रात विजय सिंह की नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई। घर वालों ने रात से ही युवती की तलाश करना शुरू किया। सुबह गन्ने के खेत में युवती का शव मिला। शव मिलने से गांव में मची सनसनी। शव की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक घटना स्थल पहुँचे और उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया और मृतक युवती के माता पिता से भी पूछताछ की। बहरहाल युवती के माता पिता ने गांव के ही एक युवक पर युवती की हत्या करने का आरोप लगाया है। ये भी जांच का विषय है। जांच के बाद क्या सही है क्या गलत है निकल कर आएगा। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि आज सुबह 11:30 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि एक किशोरी की डेड बॉडी गन्ने के खेत में पड़ी है। पुलिस मौके पर आई और बॉडी की शिनाख्त की तो उसके फादर का नाम विजय सिंह और उस लड़की का नाम आरती है। बॉडी का पंचनामा भरकर पीएम के लिए भेज दी है। घटना स्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। बाकी परिवार की ओर से तहरीर दी गई है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। युवती के पिता ने नाम दर्ज एक युवक के खिलाफ तहरीर दी है, उसकी जाँच की जा रही है। रामपुर से फिरोज खान की रिपोर्ट। घर अंदर सो रही थी, मैं बरामदे में सो रही हूँ। मैंने 11 बजे सूकर बुना, मुझे नींद आ गई और मैंने देखी तो घर में ही, और फिर मेरी नींद आ गई तो मैंने 4 बजे आग खोली मेरी। फिर हमने घर में देखा, मैंने घर में होगी तो मेरी चाचा चाचा लंग सो गई और जो ताई के लंग ले रही है लौंग मेरे तो नहीं थी। फिर भी मिली ना, फिर हमारे देवर ने फोन करा तो वो देखने चले गए इनके धोरा को कि तुम आ जाओ, लगी ना मिल रही तो ये फिर आए 7 बजे रात 7 बजे। आप लोगों ने कहाँ कहाँ ढूंढा उसे? हमने वो मुरादाबाद भी देखा, उन्होंने वहाँ भी देखा, फिर कहने लगे तुम्हें जिम्मे जंगल उल में देख कर आओ, कभी जंगल में हो कहीं तो जंगल में देख ढूंढते ढूंढते देख कर जंगल में तो ये इसमें मिली बॉडी मिली। हाँ बॉडी मिली। किसी को ऊपर कोई शक क्या है? किसी को ऊपर कोई शक? शक एक तो वो लड़का है, पहले लगवा दिया। कौन? एक लड़का ना यहाँ बैठा रात। अच्छा अफसर इनका तो अब मैं उसको पर सच समझ का पता मुझे वही लड़का होगा, वैसे तो ही नहीं लड़की मेरी ऐसी, पर मैं सच समझ रही हूँ तो वो लड़का बैठा है। मैं चली गई इसकी लड़की दे दी उधर को, अब वो घर में जा कर ले। क्या नाम है लड़का, कौन है लड़का? ये कब से गायब थी? मैं 11 बजे वो बुना है सूटर तो ही मैंने देखा, मैं लली मुझे पानी भी दिया, उनने मैंने पानी पिया है, उनने भी पिया पानी, फिर वो सो गई है। मेरी चार मैंने भून कर रख दिया, मैं आ गई नींद। मैंने 4 बजे देखी, मैं लली झाड़ू लगा ले और तो फिर लाइट भी बल्ब बुझा हुआ, वो 12 बल्ब बुझा हुआ था घर में, अंदर जला कर सोई कर रही है, रात नहीं है जरा हुआ तो मैंने बोले लली झाड़ू लगा ले, तो मैंने देखा मच्छरदानी उठा कर गरीब तो है नहीं, तो वो उसमें भी नहीं। फिर मैंने अपने देवर से कही, मैं आरती न मिल रही तो वो फिर ढूंढा बना रहे हमने ही उनके घर देखे कहीं रोड पे देखा है, तो फिर गई। अभी आज सुबह करीब 11:30 करीब थाने में सूचना मिली थी कि एक किशोरी की डेड बॉडी ईख के खेत में मिल पड़ी हुई है। पुलिस मौके पे आई तो बॉडी आइडेंटिफाई हुई, उनके फादर ने बताई थी, फादर का नाम विजय सिंह है, लड़की का नाम आरती है। तो बाकी डेड बॉडी का हमने पंचनामा भरवा दिया है, पीएम के लिए बॉडी भेज दी है, घटना स्थल निरीक्षण वगैरह हो गया। बाकी परिवार की तर्फ से एक तहरीर मिली है, उसके अकॉर्डिंग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। परिवार वालों को क्या आरोप? परिवार वालों ने पिता ने जो तहरीर दी उसमें एक लड़के पे शक बताया है कि उस लड़के का रोल, अभी हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, नाम से तहरीर दी उन्होंने, आगे की भी कार्रवाई करा।